हेलो ब्रिवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूँ। और जो बच्चे अभी तक हमें फॉलो करते थे मगर विश्वास नहीं करते थे, शायद इस वीडियो के बाद वो भी विश्वास करने लगे और हमारा लोहा, हमारे न्यूज़ का लोहा वो भी मान जाए। जैसा कि मैंने आज सुबह की वीडियो में आपको अवगत कराया था कि लेखपाल की जो टीवी है इसका जो शेड्यूल है आज जारी कर दिया जाएगा। ये मैंने वीडियो प्लस कम्युनिटी पोस्ट दोनों के माध्यम से इसकी जानकारी आपको दी हुई थी। तो वो आपका जो डीवी का शेड्यूल है ये जारी कर दिया गया है। जी हाँ, ये आपका जो शेड्यूल है ये जारी कर दिया गया है। आप लोग UPTPLSC के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी किस दिन डीवी है, ठीक है। प्लस अगर आप चाहते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से ना जाएं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे लिंक जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग जाके उसको और देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी न्यूज़ का जो है उसका धमाका जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमने कौन कौन सी न्यूज़ आज शेयर की थी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। इसमें हमने बताया था कि जो डीवी है ये 30 नवंबर तक चलने वाली है, 0.1 नोट करते चलिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट है आपका 20 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक है जो आपका गैप रहने वाला है, यानी कि इस बीच आपकी डीवी नहीं होगी, सेकेंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है रोज़ 700 बच्चों को जो है ये बुलाया जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग जो ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है उससे मैच करेंगे ताकि आपको विश्वास हो के कि हमारी न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक और रियल होती है। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अक्सर आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी नोटिस है, पहले हम तीनों पॉइंट को मिलाते हैं फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो पहला पॉइंट था आपका कि डीवी जो है आपकी 31 अक्टूबर तक चलने वाली है, माफ़ कीजिएगा 30 नवंबर तक चलने वाली है, तो ये आपका ऑथेंटिक हुआ, 100% सही हुआ। सेकंड न्यूज़ थी कि आपका 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक गैप रहेगा। देख सकते हैं कि 20 अक्टूबर के बाद नेक्स्ट डे जो आपकी 1 नवंबर आ गई है, तो हमारी जो सेकंड न्यूज है वो भी 100% सही रहा। तृतीय था रोज़ 700 बच्चों का डीवी कराया जाएगा, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं कि रोज़ाना 700 बच्चों को कॉल किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारी जो तीन न्यूज़ है तीनों के तीनों ऑथेंटिक रही और तीनों 100% एक्यूरेसी के साथ सही रही। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी कुछ हेटर्स जो हमेशा कमेंट करते रहते हैं नेगेटिव कमेंट, वो भी आगे से समझ जाएँ, बाकी आप लोग के ऊपर है। तो ये आप लोग देख सकते हैं नोटिस, आज यानी कि 13 सितंबर को जारी कर दिया गया है। 27455 बच्चे थे, 22 बच्चे जो हैं डिबार या फिर वंचित किए गए हैं अभिलेख परीक्षा से, ठीक है। और सारी डिटेल्स जो मुख्य बातें हैं आपको यहाँ पे दी गई हैं, आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, एक बार में समझना है तो दो बार पढ़िएगा। बाकी इसकी जो डिटेल वीडियो है, ठीक है, जो इसकी डिटेल वीडियो है मैं कल आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। इसकी एक डिटेल वीडियो कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कैसे फॉर्म को भरना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर लेना है, साथ में 4 प्रपत्र आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे, वो भी डाउनलोड करना है और प्रपत्रों को भरना होता है, मैं सारी प्रोसेस आपको बताऊँगा। साथ ही साथ में कुछ अर्हताओं के लिए, जैसे आपका अभिलेख परीक्षण के लिए जो आपका आयु का हो, एज रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है, या फिर जो आपके मूल प्रपत्र हैं, ये सारी चीज़ें लेकर जानी है। मैं डिटेल वीडियो इसका कल आपको प्रोवाइड करूंगा, अभी तक मैंने भी सारी चीज़ें देखी नहीं है क्योंकि वीडियो आपको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी था। 2 रंगीन फोटोग्राफ जो हैं आपको लेके जाने हैं, ठीक है, और आपका जो अभिलेख होगा ये पिकअप भवन में होगा जो कि गोमती नगर लखनऊ में है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।